हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड रेफरल इवेंट के बारे में कि इस इवेंट से आप सभी को जो इस कार का स्किन फ्री में मिल रहा है ना, उसको आप परमानेंट कैसे ले सकते हो और क्या क्या ये स्किन है ना, वो आप सभी को परमानेंट मिलेगा या कुछ समय के लिए मिलेगा, वही मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग एंड ओपी होने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आप सभी को इवेंट को कम्प्लीट करना है। प्लस में आप सभी को इस कार का स्किन है ना, वो यहाँ पे परमानेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, और परमानेंट मिलेगा तो आप सभी को कैसे यहाँ पे परमानेंट मिलेगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को इवेंट सेक्शन में आ जाना। यहाँ पे इवेंट सेक्शन में आने के बाद आप सभी को दूसरे नंबर पे फ्रेंड रेफरल का इवेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप सभी को गो टू पे क्लिक करने के बाद आप सभी को ये इवेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और गाइस, इस इवेंट में आप सभी को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप सभी को अपने फ्रेंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पे इन्वाइट करना है। सबसे पहले आपको एक न्यू आईडी बनाना पड़ेगा, और न्यू आईडी बनाने के बाद आप सभी को उसका आईडी को कॉपी करके यहाँ पे आके कुछ इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। गाइज, सेंड करने के बाद आप सभी को इजीली यहाँ पे जाना है यहाँ पे गेस्ट आईडी में, जो आईडी आप यहाँ पे डाल के यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजे होंगे उसमें जाना है, और वहाँ पे आप सभी को एक बाइंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिक करके आपको बाइंड कर देना है। और फिर आप जैसे यहाँ पे बाइंड करते हो, उसके बाद दोनों आईडी हैं जो कि यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, और होने के बाद इसमें आप सभी को करना कुछ नहीं है, आप सभी को लेवल अप, हाँ फ्रेंड लेवल अप करना चाहिए, लेवल अप करना पड़ेगा तभी आप सभी को ये सब रिवॉर्ड मिलेगा, जिसमें आप सभी को यहाँ पे वाउचर और यहाँ पे कस्टमर कार्ड के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे एक स्कार का भी स्किन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि काफी अच्छा है यहाँ पे। ओके गाइस, जो स्किन है ना वो आप सभी को यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे कैसे मिलेगा वो आप सभी को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को गेस्ट आईडी में 12 लेवल तक करना पड़ेगा गेम प्ले, मतलब गेम खेल खेल के। ओके गाइस, जो कि आप यहाँ पे मतलब लगातार खेलते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 से 4 घंटा के अंदर आप यहाँ पे इजिली यहाँ पे 1 से 9 लेवल तक मेरे ख्याल से जा सकते हो, और कोई छोड़ देगा तो उसका बात ही अलग है। ओके गाइस, तो इस तरह आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो, उसके बाद ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर अब बात करने वाले जो ये स्कार है ना, वो आप सभी को परमानेंट मिलेगा या कुछ समय के लिए मिलेगा। तो फिर अभी तो ये गन स्किन है ना, वो यहाँ पे फ्री में मिलेगा, वो आप सभी को परमानेंट नहीं मिलेगा, कुछ समय के लिए मिलेगा। तो गाइस, कितने समय के लिए मिलेगा वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो फिर ये स्किन है ना, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मिल चुका है, बहुत सारे बंदे ने मेहनत करके गेम खेल खेल के 9 लेवल तक गेस्ट आईडी में कर लिया है। तो फिर उनका आईडी में इजीली ये स्किन है जो कि 13 दिन के लिए, हाँ फ्रेंड 13 दिन के लिए मिला है, 13 दिन के लिए मिला है, उसके बाद ये गन स्किन है ना वो यहाँ पे चला जाएगा। तो गाइस, कोई फायदा नहीं है, इतना मेहनत करो उसके बाद ये गन स्किन परमानेंट भी नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से आप यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 लेवल भी कर सकते हो, क्योंकि 9 लेवल पे भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आप यहाँ पे 9 लेवल ही करना मेरे ख्याल से, वरना आप 12 लेवल करते हो तो फिर आपका मेहनत भी ज्यादा लगेगा, यानी ज्यादा गेम भी खेलना पड़ेगा, और उसके बाद ये गन स्किन कार वो यहाँ पे 13 दिन के लिए मिलेगा। तो बस कोई फायदा नहीं है, परमानेंट नहीं मिलेगा, मैं तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे बंदे को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि परमानेंट मिलेगा, बट गाइस ये परमानेंट नहीं मिलने वाला, बहुत सारे बंदे निकालने वाले थे गेम खेल खेल के। तो गाइस मत निकालना, आप यहाँ पे 9 लेवल ही करके केस स्टडी को छोड़ सकते हो। ओके गाइस, तो फिर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते इसी तरह के और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।